दोस्तों विद्युत की कोई समस्या आ रही है आपको या आपके क्षेत्रवासियों को, जैसे कि जो लाइट की समस्या है, लाइट नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से, या ट्रांसफार्मर फूक गया है और वहां पर उसको ठीक करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सरकार ने हर तरह हर विभाग को अलग अलग जो है टोल फ्री नंबर यहाँ पर बनाए हैं जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो यदि आप बिजली की समस्या से परेशान हैं और बिजली आपको नहीं मिल पा रही है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शहरी क्षेत्रवासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, मैंने भी जो है कस्टमर केयर पर बात करके मालूम की थी तो उन्होंने भी यही बताया है कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे जो है बिजली जो है दी जा रही है, लेकिन पूरे 18 घंटे नहीं मिल पा रही है क्योंकि कई जगह पर फॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि फॉल्ट नहीं है फिर भी 18 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, मुश्किल से 4, 5 या 10 घंटे ही मिल पा रही है, तो ऐसी समस्या यदि आपको आ रही है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके जो नज़दीक में जो विद्युत विभाग का जो ऑफिस है वहाँ आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो टोल फ्री नंबर है। तो दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये केवल यूपी वालों के लिए है, अदर स्टेटों के लिए ऑनलाइन सर्च करेंगे और शिकायत करने के नंबर आपको मिल जाएंगे। एक केवल यूपी वालों के लिए है जो है पूर्वांचल मध्यांचल, ये जो चारों नंबर दिख रहे हैं आपका जो बिजली का बिल है आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा होगा मध्यांचल लिखा है या जो पूर्वांचल लिखा है। जैसे कि हमारा क्षेत्र है वो मध्यांचल में आता है और हमारे जो है बिजली के बिल पे भी लिखा हुआ है मध्यांचल, तो उसका नंबर ये ऊपर दिखाई दे रहा है 1800 1800 440। इस पर मैंने कॉल की थी और आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि लाइट कम आ रही है पूरी नहीं आ रही है ट्रांसफार्मर फूक गया है या कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अन्य लोग जो हैं अपने बिजली के बिल पर देख कर और ये सारे नंबर लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग नंबर हैं टोल फ्री नंबर हैं वो आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके निकाल सकते हैं और कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक जो है पोर्टल भी लॉन्च किया है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पोर्टल है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है जन सुनवाई नाम से एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जन सुनवाई पोर्टल पर आप कोई भी समस्या के निवारण हेतु वहां पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या जो है जैसे विद्युत विभाग की तरफ से है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, यदि घर में कोई परेशान कर रहा है, घर में जमीन जायदाद या किसी भी तरह से कोई समस्या है, या डाक विभाग की तरफ से कोई भी समस्या है तो आप ऑनलाइन वहां पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जन सुनवाई जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे तो वहां पर एक वेबसाइट आ जाएगी jansunbhai.up.nic.in, तो वहां पर आप इसको ओपन करेंगे तो वहां पर शिकायत पंजीकरण के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और एक कैप्चा टाइप करने को मांगेगा जो वहीं पर लिखा हुआ होता है। तो जैसे ही कैप्चा टाइप करके आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जैसे ही आप टाइप करके फिर से सबमिट करेंगे तो वहां पर क्या होगा आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लेकिन एक फार्म खुल जाएगा, वो पूरा फार्म आपको फिल करना है। यदि आपको फिल करना नहीं आता तो जनसेवा केंद्र पर जाकर आप ऑनलाइन वाली जो दुकान है वहां पर जाकर इसको फिल करवा सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट आप दे सकते हैं, चाहे विद्युत विभाग की हो या किसी भी समस्या से जो है आप निजात पाना चाहते हो उसकी हो। तो आप जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो आपकी सुनवाई वहां पर जरूर की जाएगी। और दोस्तों ये जो टोल फ्री नंबर है या जो जन सुनवाई पोर्टल है इसको आप जरूर इसका आप उपयोग करें क्योंकि सरकार जो है जनता के लिए ही ये नंबर बनाती है, बिना डरे बिना हिचके ही आप ये नंबर लगाएं और आप आपकी जो समस्या है वो उनको बताएं, जो वहां पर अधिकारी बैठे हुए होते हैं उनको सैलरी देती है सरकार और आपकी समस्या सुनते हैं और आपकी समस्या को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचाते हैं और वहां पे एक कंप्लेंट नंबर भी आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू भेज दिया जाता है। तो आप कंप्लेंट करें और कंप्लेंट नंबर जरूर लें। यदि दोस्तों आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जनसेवा केंद्र पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं,
चाहे तो आप टोल फ्री नंबर पर जो है कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और आता है 1076। जी हाँ दोस्तों, 1076 पे भी आप कॉल करके किसी भी समस्या के समाधान हेतु वहाँ पर आप नंबर लगा सकते हैं और अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, विद्युत विभाग की हो, और यहाँ पर जैसे अवैध जमीन कब्जा जिसने कर रखा है उसके खिलाफ आपको कोई कार्रवाई करनी हो तो वो हो, या कोई भी समस्या हो सरकार से संबंधित, तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन नंबरों का उपयोग हमें ज़रूर करना है, क्योंकि सरकार इसीलिए ये नंबर देती है। जागरूक होना होगा, यदि आप जागरूक नहीं होंगे, आप नंबर नहीं लगाएंगे तो समस्या वैसे की ही बनी रहेगी, वैसे ही आप उससे जो है निजात नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है अधिकारी जो लोग हैं लोकल में बैठे हुए हैं वहाँ तक जो है कोई भी अधिकारी जल्दी ऊपर का पहुँच नहीं पाता है, इसलिए वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए होते हैं। और यदि आप कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ से सीधे कॉल आएगी तो वो उस समस्या का समाधान करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।